Hi guys, so today I am making this video to make you understand one of the important concepts of strategic cost management at CFIRL, that is 5S. So हम इसको एक काफी interesting तरीके से समझेंगे ताकि जो 5S के 5S हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो सबसे पहले आपको अगर समझना है 5S, तो दिवाली का माहौल है, दिवाली की ही हम प्रिमाइस बना के चलेंगे और इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि 5S क्या है। सो 5S कुछ नहीं है, अगर आपने बचपन में डोरेमोन, कितरेत्सु, शिनचैन इस तरह के सीरियल देखे हैं तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये 5S कुछ नहीं, पांच जापानी वर्ड्स है और इन्हीं की इंग्लिश ट्रांसलेशन हम समझेंगे। तो पहला वर्ड है सिरी। सिरी क्या है? एप्पल का वॉइस असिस्टेंट। नहीं, सिरी मीन्स सॉर्ट। तो अब जैसी दिवाली आती है हम सॉर्ट करते हैं हर चीज़, भाई कोई भी अननेसेसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेहमान आएगा कुछ ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए, ऐसा ना हो कि मेहमान आए नीचे झाड़ू रखा उसी में गिर जाए। तो सॉर्टिंग मीन्स रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, रिमूविंग अननेसेसरी थिंग्स, जो भी अननेसेसरी चीज़ है उसको घर में से हटाओ, तुम्हारे सामने नहीं होनी चाहिए, जितनी भी फालतू की चीज़ें उनको हटाओ, दैट इज सिरी। सिरी मीन्स सॉर्ट। तो फर्स्ट 5S का फर्स्ट S हो गया सिरी। सेकेंड सीतो, तो सिरी सीतो। सीतो मीन्स सेट इन ऑर्डर। देखो नाम से ही लग रहा है, सेट इन ऑर्डर को इन्होंने क्या बोल दिया प्यार से, सीतो। जापानी बहुत स्मार्ट है, इतना बड़ा बोलना ही नहीं सेट इन ऑर्डर, उन्होंने बस बोला सीतो। सीतो मीन्स सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मतलब सिस्टमैटिक, ऑर्डरली अरेंजमेंट। अब आपके घर में मेहमान आते हैं, अब स्नैक्स को कैसे डालते हैं, मतलब आपने चाय रखी, साथ में रखे पकौड़े, साथ में आपने रखा कोई स्वीट डिश टाइप रख दी, कोई मिठाई रख दी, तो प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट रखते हो। ये नहीं रखते कि चाय के साथ मिठाई, चाय के साथ स्नैक्स। जब ये दोनों हो जाते हैं तब आप इनको हटाते हो, फिर उसके बाद आप मिठाई पेश करते हो, तो उससे जो मेहमान को लुफ्त आता है, मज़ा आता है, वो तभी आ सकता है जब ये सारी चीज़ें ऑर्डर में हो। तो पहला हमने किया सिरी यानी सॉर्ट, अननेसेसरी चीज़ों को तो हटा ही दिया। फिर आया सीतो यानी सेट इन ऑर्डर, ऑर्डरली सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्या, आइटम्स थिंग्स इन अ वर्क प्लेस। होते 5S वर्क प्लेस पे, पर हम दिवाली की तरह समझेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आए, हमें चीज़ें याद हो जाए। तो पहला आ गया सीरी, फिर आ गया सीतो, देन आता है सीसो। सीसो कुछ नहीं, वो नहीं कि जब तुम बचपन में झूला झूलते थे ऊपर नीचे। सीसो इज नॉट दैट सीसो, इट इज SEISON। सीसो मानी शाइन, शाइन यानी चमक। चमक कैसे आएगी, जब चीज़ साफ होगी। तो हम घर को कैसे दिवाली के टाइम में पूरा चमका के रखते हैं ताकि जैसे ही मेहमान आए उसको एकदम आनंद आ जाए। तो सीरी सीतो सीसो, ये हो गए हमारे 3S। तो सीरी यानी सॉर्ट, रिमूविंग अननेसेसरी थिंग्स, ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम द वर्क प्लेस, अभी दिवाली की बात है तो हम अपने घर से हटा देते हैं। सीतो यानी सेट इन ऑर्डर, सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। सीसो यानी शाइन, क्लीन सेफ प्लेजेंट एनवायरनमेंट। देन आते हैं आपके 2S रह गए बस, सीरी सीतो सीसो सिकेत्सु। बचपन में क्या आता था सीरियल, कितरेत्सु, कितरेत्सु भूल जाओ, अब आएगा सिकेत्सु। सिकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज। अब स्टैंडर्डाइज क्या है, एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई आप मान के चलते हो कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, तो स्टैंडर्डाइज यानी कुछ होगा प्री डिटरमाइंड, वो है जो हमें आज तक चलता आ रहा है, जो बेस्ट स्टैंडर्ड है। और बेस्ट स्टैंडर्ड दिवाली पे क्या होता है, लाइटिंग, दिया, कैंडल, इनका अरेंजमेंट एक स्टैंडर्ड बना रखा है हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे मम्मी पापा ने भी फॉलो किया। तो आपको याद रखना है कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, बेस्ट स्टैंडर्ड्स है। हम जनरली वर्क प्लेस पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखते हैं, पर यहाँ दिवाली पे हम देखेंगे हमारे घर के क्या स्टैंडर्ड है, कि हमने कैसे कैसे दिया हो गया, कैंडल्स हो गए, इनको कैसे हमने अरेंज कर रखा है, तो ये एक अच्छा स्टैंडर्ड हो गया। देन लास्ट में आ जाता है सीरी सीतो सीसो सिकेत्सु शिडजुके। अब शिडजुके जो है उसका मतलब है सस्टेन। अब एक आपने अच्छा स्टैंडर्ड बना दिया, आपने बढ़िया अपने घर को साफ रखा, दिवाली के बाद भी साफ रखो ना। ये क्या कहता है शिडजुके, डू राइट विदाउट बींग टोल्ड। आपको कोई कहेगा नहीं पर आपको करना है। तो अगर आपको कोई कहता नहीं है ना कि आप अपने घर को साफ रखो, फिर भी अगर आप साफ रखते हो, यानी आप शिडजुके फॉलो कर रहे हो, आप सस्टेन कर रहे हो, तो ये वीडियो का फायदा तभी है जब आप इसको इम्प्लीमेंट करो। और जो इम्प्लीमेंट करके बढ़िया साफ सफाई, ऑर्डरली अरेंजमेंट चीज़ों का होता है, अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स वगैरह को आप हटा देते हो, साफ रखते हो, घर को बढ़िया रखते हो, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो, उसको अगर आप सस्टेन नहीं करोगे ना, सारा काम खराब हो जाएगा। तो बेटर यही है, अगर अपने घर को दिवाली के लिए रेडी करना है तो अपनी मम्मी को बोलो 5S लगाएं। 5S यानी सिरी सीतो सीसो सिकेत्सु शिडजुके। मेरे साथ पोएम की तरह बोलो, सिरी सीतो सीसो सिकेत्सु शिडजुके, यानी सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। होप आपको मज़ा आया, ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें।